स्कैम बहुत ही जोरों शोर से चल रहा है। ये खासकर टूरिस्ट को किया जाता है, लेकिन कभी कभी डोमेस्टिक टूरिस्ट को भी कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर फॉरेन इंटरनेशनल टूरिस्ट को किया जाता है। तो क्या करते हैं, ज़्यादा लोग पैसा देना समझ पसंद नहीं करते, समझ जाते कि यह स्कैम है, तो क्या करते हैं, मेरे बोलते हैं मेरे बच्चे के लिए कुछ लेना है, खरीदना है, खाना खरीदना है, हॉर्लिक्स खरीदना है, वो सब खरीदना है, दुकान में लेके जाते हैं, वो महंगी महंगी चीज़ें खरीदवाते हैं। उनको लग सब जो दे रहे हैं उनको लगता है कि ये बच्चे के लिए है तो अच्छी बात है, पैसा तो नहीं ले रहे हैं। फिर क्या करते हैं, वापस दुकान में जाकर उन चीज़ों को वापस करते हैं और पैसा वापस लेते हैं। उनका तो थोड़ा सा कमीशन रहता है दुकान का, और वो बाकी का पैसा वापस ले लेते हैं। तो ये एक स्कैम चल रहा है, कहीं भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाओ ये बहुत ही ध्यान रखना, और बाकी जगह पर भी ध्यान रखना। ये मच्छरदानी बहुत ही अगली लगता है, इसका कुछ करना पड़ेगा। बैकग्राउंड में किसी वीडियो में रहता है ना, बेकार लगता है यार। জল আছে, জল দিন ভর্তি হয়েছে।